चैनल फ्रेंड्स वेलकम टू सर अब्दुल खान टेंगे एस सी ई आर टी क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर फाइव का ए वन ए टू दोनों दिख रहे हैं लेटर राइटिंग स्किल यानी खतूत नवैसी किस तरीके से की जाएगी लिखने का तरीक़ा और इसमें कुल छः लेटर छः खत दिए जाएंगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का ए वन और ए टू लेटर राइटिंग पर आता है हाउ टू अटेम्प्टफार्मल लेटर यानी पहले गैर रस्म खत इनफार्मल लेटर कैसे हम लिखेंगे दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व राइटिंग लेटर्स टू फ्रेंड्स रिलेटिव और एक यानि सवाल में आपके दोस्तों रिश्तेदारों को ख़त लिखना होता है फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिव ओनली योर एड्रेस द डेट एंड दैल्यूटेशन दैंगवेज यूज फॉर सच लेटर्स इज कैजल इनफार्मल एंड फ्रेंडली यानी इस खत में सिर्फ़ आपको पता और अलखाब देना है और तारीख लिखना है डेट लिखना है और इसमें इस्तेमाल की गई ज़बान आम और सादी होती है दोस्ताना होती है स्टडी द टॉपिक और इशू ऑन विच यू हैव तो टू लेटर केयरफुली यू विल बी गिवन एड्स वेब्स न्यूज़ लाइनस और सम पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन एज गाइडलाइंस यानी आपको टॉपिक जो दिया जाएगा उसे आपने अच्छे से पढ़ना है उसमें एडवरटाइजमेंट वेब डाइग्राम न्यूज़ लाइन या कोई तस्वीरी पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी राइट अबाउट टू और थ्री पैराग्राफ्स गिविंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यानी दो से तीन पैराग्राफ में आपको जवाब लिखना है ख़त लिखना है फिनिश ऑफ विद द सब्सक्रिप्शन यू आर लविंग यूर अफेक्शनेटली आपको अपने ख़त का खात्मा यू आर लविंगर अफेक्शनेटली से लिख करना है अब इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर की यानी आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे ख़त लिखने पर पहले है सेंड्रस एड्रेस पिन कोड डेट पर आधा नंबर है सैल्यूटेशन माय डियर फ्रेंड माय डियर सन माय लविंग सन या माय डियर फादर इस पे आपको आधा नंबर मिलेगा बॉडी ऑफ द लेटर इन थ्री और फोर पैराग्राफ तीन से चार पैराग्राफ लिखेंगे इसको ढाई मार्क्स है सब्सक्रिप्शन कम्प्लीटली क्लोज लाइक यूर अफेक्शनेटली यू लविंगली अगर ऐसा लिखेंगे कंक्लूजन में तो आधा नंबर मिलेगा उसके बाद में प्रॉपर यूज़ ऑफ ग्रामर के लिए एक नंबर है यानी आपका ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं रहेगी तो आपको एक नंबर मिलेगा इस तरीके से पूरे टोटल पाँच मार्क्स मिलेंगे हाउ टू अटैम्प्ट फॉर्मल लेटर्स यानी अब रस्मी ख़त कैसा करना है दफ्तरी ख़त भी कह सकते हैं इसे This question in involves writing letters to officials, editors of newspapers, heads of commercial or editorial establishment, educational establishments, etc. इन्हें जो खत है या आप अफसर को लिखेंगे, एडिटर को लिखेंगे न्यूज़पेपर के या किसी हेड को लिखेंगे कमर्शियल या एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट के. Two addresses are required for this type of letter. One is your own, and the other is the एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू इसमें दो एड्रेस रहेंगे दो पते रहेंगे पहला पता आपका खुद का दूसरा जिसे ख़त लिखा जा रहा है द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर डेट इज़ इन द मेन टॉपिक ऑफ़ द लेटर मस्ट बी रिटर्न इन ब्रीफ यू हैव रेफर्ड टू समथिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन अ पेपर न्यूज़ पेपर दिस मस्ट बी रिटर्न बिलो द सब्जेक्ट एज रेफरेंस अब इसके दो अहम है एक है सब्जेक्ट दूसरा है रेफरेंस सब्जेक्ट में आप किस लिए लिख रहे हैं वो लिखेंगे और रेफरेंस आपने ये एडवरटाइजमेंट या खबर कहाँ से पढ़ी वो लिखेंगे रेफरेंस में द स सेल्यूटेशन हेज़ टू बी वेरी फॉर्मली जी सर मैडम डियर सर मैडम या रेस्पेक्टेड सर मैडम यानी जो आप अलाब का इस्तेमाल करेंगे शुरुआत करेंगे तो सैल्यूटेशन में आपने सर मैडम रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखना है द लैंग्वेज एंड टोन यूज फॉर सच लेटर्स मस्ट बी वेरी फॉर्मल टू द पॉइंट एंड रेस्पेक्टफुल यानी इसमें जो ज़बान का इस्तेमाल होगा वो भी फॉर्मल होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए द मेन बॉडी ऑफ़ द लेटर शुड कंसिस्ट ऑफ टू टू थ्री पैराग्राफ गिविंग डिटेल्स और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन एज ब्रीफली एज पॉसिबल यानी जो मेन बॉडी है इसमें दो से तीन पैराग्राफ रहेंगे उसमें पूरी मालूम होना चाहिए

यानी आपको सवाल में वेब खाका वेब डायग्राम, न्यूज़ आइटम एडवर्टाइजमेंट पार्ट्स ऑफ लेटर देंगे उसे अच्छे से पढ़कर आपने लेटर लिखना है अब इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे नंबर कैसे दिए जाते हैं सेंडस एड्रेस पिन कोड डेट आधा नंबर नेम डेजिग्नेशन एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट इसको आधा नंबर सब्जेक्ट फ्रेज अबाउट द जनरल कॉन्टेंट ऑफ़ द लेटर एंड रेफरेंस रेफरेंस रेफरिंग टू लेटर प्रीवियसली सैल्यूटेशन इसको आधा नंबर बॉडी ऑफ द लेटर थ्री टू फोर पैराग्राफ्स इसको दो नंबर रहेगी उसके बाद सब्सक्रिप्शन सैल्यूटेशन लास्ट वाला जो रहेगा यू एस फेथफुली यू एस ट्रूली इसको आधा नंबर और करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर को एक नंबर इस तरीके से पाँच नंबर दिए जाएंगे अभी पहला क्वेश्चन है रीड द लिफलेट गिवन बिलो एंड डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विजिट अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी चिखलधरा एंजॉय फेमस हिल पॉइंट एंड नेचुरल ब्यूटी अ लिविंग पैराडाइज ऑन द अर्थ विजिट द सन सेट पॉइंट भीम पॉइंट फोर्ट ब्यूटी इको पॉइंट एक्सेट्रा कंफर्टेबल स्टे एंड एंजॉयबल नेचुरल ब्यूटी कॉन्टैक्ट द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट चिखलधरा डिस्ट्रिक्ट अमरावती पहला है इनफॉर्मल लेटर है राइट अ लेटर टू योर फादर

400004 24th december 2020 dear father yesterday our class teacher announced a trip to chikaldhara it will be a two day visit to the living paradise of the earth you know i have an abiding interest in visiting the splendid and serene beauty of the city of strawberries almost all the students of my class are going on the excursion it will cost only 500 per student 4 of our teachers will also accompany us further we are going to visit most of the famous hill points such as beam cone point fort point eco point needle point etc we will be watching the flora and fauna of the forests of chikaldara we are also going to enjoy the boat ride and water sports in the lake. I am thinking of buying delicious strawberries and sweet pure honey from there. We are going to lodge and board at a resort provided by the Tourism Department, Chikaldhara. Please let me join the trip and send me your written permission with amount required for the trip. यू माई लव टू डर मदर एंड लिटल चिंटू योर लविंग सन समीर कुमार दूसरा लेटर है फॉर्मर लेटर समीर कुमार न्यू मॉडर्न हाई स्कूल मॉडर्न टाउन कैनोट प्लेस औरंगाबाद फोर थ्री वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री सिक्सटीन डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू द इंचार्ज टूरिज़म डिपार्टमेंट चिकलधरा डिस्ट्रिक अमरावती Subject Request for Providing Information Regarding Our School Trip to Chikaldhara. Dear Sir, Madam, 50 students and 4 teachers of our class 10th want to make a trip to Chikaldhara in the last week of December. It will be a two day visit to the living paradise of the earth. We wish to visit the popular and interesting places in the city. We shall be visiting Famous hill points, temples, lakes, and will experience boating, water sports, trekking, etc. We require the following information regarding our Chikaldra tour. First, what arrangement for accommodation do you have? Two, what are the rates for accommodation and food? Three, what is the procedure of booking? Fourth, do you give any concession to school children in entry fees to visit particular places? Fifth, do you provide a staff member or a tourist guide to accompany us while visiting famous spots and trekking trips? Please provide us with the information at your earliest so that we can make necessary arrangement. Thanking you. Yours faithfully, Sameer Kumar. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है गिवन बिलो इज़ एन एडवरटाइजमेंट फॉर अ जॉब रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर कंपनी रिक्वायर्स ऑफिस असिस्टेंट कैंडिडेट्स मस्ट बी एच एस सी विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फ्लुएंस इन इंग्लिश रिप्लाई टू द एडवर्टाइजर बॉक्स नंबर वन टू फाइव द टाइम्स ऑफ इंडिया इनफॉर्मल लेटर है राइट अ लेटर टू योर कजिन टेलिंग हिम हर टू अप्लाई फॉर द अबो मेनशन जॉब ए टू है फॉर्मल लेटर है राइट अ लेटर टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इनफॉर्मल लेटर है अशफाक अहमद ए वन जीरो सेवन ब्लू स्टार अपार्टमेंट शम्सनगर पुणे फोर वन वन जीरो ज़ीरो फाइव एट्थ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन डियर फ्रेंड समीर अब देखिए यहाँ फ्रेंड के बजाय आप डियर समीर भी लिख सकते हैं कज़िन है हो सकता है फ्रेंड हो तो हमने फ्रेंड का इस्तेमाल किया है आई एम एन अ क्लिपिंग ऑफ एन एड फॉर अ जॉब इन दिस लेटर आई नो ऑफ योर अबाइडिंग इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स द जॉब मैंशन इन दिस एड सीम्स राइट अप योर स्ट्रीट आई से डैट यू मस्ट अप्लाई टू द कंपनी पोस्ट हेस्ट I have planned to continue with my graduation studies. Working for this company will give you the necessary experience which will stand you in good stead when you work hard. I hope you will apply for the job. Give my love to all at home, especially to your mother and father. Your loving friend, Ashfaq Ahmad. Enclosures Clipping of Ad. ए टू है फॉर्मल लेटर है अशफाक अहमद वन ज़ीरो सेवन ब्लू स्टार अपार्टमेंट्स शम्स नगर पुणे फोर वन वन ज़ीरो ज़ीरो फाइव एट्थ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू द एडवर्टाइजर बॉक्स नंबर वन टू फाइव द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई फोर ज़ीरो 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 वन रेफरेंस Classified ad in the Times of India dated 8th July, subject application for the post of office assistant. Dear Sir, Madam, with reference to your advertisement in the Times of India date 8th July, I wish to office offer myself as a candidate for the post of office assistant i have passed hsc commerce with 78% and i am fluent in english i have good communication skill too i have also done 3 months course in computers from RPL and i have knowledge of word and word excel as well as mscit i have a dynamic personality and i'm a person of vision my skills will definitely be of great use to the company. I am good at working as part of a team. I do hope that you will consider me suitable for the post. I am enclosing my CV along with this covering letter. I am also submitting photocopies of my HSC examination results and a certificate from RPAL. I hope. दे मीट योर रिक्वायरमेंट्स यू आर ट्रूली अशफाक अहमद एनक्लोजर्स सी वी फोटो काफी ऑफ एग्जामेशन रिजल्ट फोटो काफी ऑफ सर्टिफिकेट फ्राम आरपल एंड एम एस सी आई टी क्वेश्चन नंबर फाइव का ये है रीड द फॉलोइंग नोटिस एंड डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नोटिस सेव वाटर सेव लाइफ IKHRA High School has arranged an allocation competition on Save Water, Save Life. The competition will be held on 20th March at Assembly Hall. Interested students can register their names by 10th of March. The winners will be awarded with trophy and certificate. फर्स्ट है इनफॉर्मल लेटर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू एनकरेज हिम हर टू टेक पार्ट इन इनकेशन कॉम्पिटिशन सेकेंड है फॉर्मल लेटर इमेजिन डेट यू हैव टेकन पार्ट इन द अबुक कॉम्पिटिशन राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन थैंक्स टू द प्रिंसिपल ऑफ एकरा हाई स्कूल फॉर अरेंजिंग दिस कॉम्पिटिशन चलिए शुरुआत करते हैं पहला लेटर है In informal letter, Ammar Akhtar, 4 Public 405 Mills Compound, Railway Station, Aurangabad, 431001, 5th March 2021. Dear Mehreen, I am sorry to know from your mother that you hesitate and never take part in any kind of competitions. Mahreen, you are in ninth standard now, and this is the high time to display your talent, spirit, and qualities before the people. Don't let fear or shyness dampen your spirit. On occasion of our school anniversary, our Ikhra High School has arranged an elocution competition on the topic Save Water, Save Life. Here is your opportunity to take part in the elocution competition capture it the topic is very simple and related to our day to day life remember well the competition will be held on 20th march in our school assembly hall you have to register your name by 10th march with our teacher mahjabeen miss of course some some very tempting prizes are there. Each winner will be awarded a trophy and a certificate. Some participants will be given consolation prizes and certificates. So open your mind and do participate in the competition. Have full confidence and faith in your talent and oratory skills. My best wishes are with you. कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू लिटिल चिंटू योर लविंग फ्रेंड अमारा अख्तर ए टू फॉर्मल लेटर है अमारा अख्तर फोर पब्लिक फोर जीरो फाइव सिलेक्ट मिल्स कंपाउंड बारी कॉलोनी औरंगाबाद फोर थ्री वन जीरो जीरो वन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू द प्रिंसिपल ऐरा हाई स्कूल बारी कॉलोनी औरंगाबाद फोर थ्री वन ज़ीरो जीरो वन ये सेंडर्स एड्रेस में बारी कॉलोनी के बजाय रेलवे स्टेशन लिखिए सब्जेक्ट द एलोकेशन कॉम्पिटिशन हेल्ड इन आर स्कूल ऑन ट्वेंटी एथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन रेस्पेक्ट रेस्पेक्टेड सर मैडम आई होल हार्टेडली एक्सप्रेस माई थैंक्स फॉर अरेंजिंग द एलोकेशन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक सेव वाटर सेव लाइफ I was one of the participants in the competition. It received a great response from children. It has really created an awareness among all the students about the importance of saving water for our future. All were impressed by the views of the participants. We all immensely enjoyed the different information about. When, where, and how we waste water carelessly and thoughtlessly. We are grateful to you that you have alerted and warned children and all the citizens against wasting water knowingly or unknowingly. Water is the lifeline not only for mankind but also for animals and plants. Children now know that. Scarcity, shortage of water can cause disastrous problems for all living things. So, we must trust we must use water thriftily without wasting a single drop of water. We are now determined to save water for saving our life. Thanks to all the students and teachers who organized the elocution competition, thanking you once again. Yours sincerely, Ammar Akhtar, class 10th, a student. Thanking you. Thanks for watching. Shukriya. Khudaafiz.